हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनर में। आज हम बनाने वाले हैं फिर से एक प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें डिजाइनिंग सीखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हर बार बताता हूँ, जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ हम लेते हैं स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो इंच में होता है। हमने विजिटिंग कार्ड का साइज़ लिया है 3.5 2.15। साइज ले लेने के बाद मैंने ले लिया है 3.5 2.15। साइज लेने के बाद दोस्तों मैं इसके अंदर एक लेयर बना लेता हूँ। यह दोस्तों लेयर मैंने राइट क्लिक के साथ यहाँ पर बनाई है। आप सिंपली इसको ड्रैग करके राइट क्लिक सिंपली इसको पकड़ें माउस के साथ और राइट क्लिक के साथ छोड़ दो, आपकी दूसरी लेयर ऑटो कॉपी हो जाएगी। ये कॉपी पेस्ट की दोस्तों शॉर्टकट की है। उसके बाद दोस्तों इधर मैंने लगभग 20% ब्लैक कलर लिया है, इधर मैंने 100% ब्लैक कलर लिया। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ राइट क्लिक के साथ। सेव टूल के माध्यम से मैं इसके जो ये कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ और उसको कंट्रोल के साथ सिंपली ऊपर उठा देते हैं। ये मैंने दोस्तों आप देखिए एक कॉर्नर को मैंने उठाया है। उसके बाद मैं इसको दोबारा से राइट क्लिक के साथ इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप इसका जो कलर है वो अलग कर सकती हैं या जो आपको इच्छा है वो आप इसको कलर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कि इधर भी ये कॉपी बनाया है, दोनों का मैं कलर जो है वो अलग अलग कर लेते हैं हम। उसके बाद मैं एक लाइन बिल्कुल सेंटर से ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद स्मार्ट फिल टूल के माध्यम से मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगा। मैंने इसमें कलर फिल कर लिया। कलर फिल के द्वारा आप इसमें कोई भी कलर अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे काम हो रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं इसकी एक और कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसका थोड़ा सा उससे मैं हल्का कलर कर लेता हूँ। जो हमारी दोनों वो लाइन थी जो पहले ट्रैक की थी उसका कलर आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने एक का ब्लैक लिया है, एक का ग्रे कलर लिया है। उसके बाद मैं एक ड्रॉ और करता हूँ रेड कलर का। उसके बाद मैं आउटलाइन गैप करता हूँ शिफ्ट के साथ। मैंने दोबारा वही कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की इस्तेमाल की है। इसको मैं कर्व करता हूँ राइट क्लिक के साथ, मैंने इसको कर्व किया। उसके बाद दोस्तों मैं इन दोनों को सेव टूल के माध्यम से सिलेक्ट करता हूं और इस कंट्रोल के दबा करके माउस से उसको ऊपर उठा देते हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे काम हो रहा है। दोस्तों आप इसको जितना ज़्यादा कम ज़्यादा जितनी गहराई आपको इसको चाहिए आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डबल कलर में इसके अंदर कर लेता हूँ। डबल कलर करने के लिए मेरे को क्या करना है, हम इंटरेक्टिव फील टूल उसके द्वारा कर सकते हैं या F11 इसकी शॉर्टकट की है वो उसके द्वारा कर सकते हैं। मैं एक तरफ डार्क रेड और एक तरफ खाली रेड कर लेता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों इधर मैंने इसकी शॉर्टकट की से इसकी दोबारा कॉपी पेस्ट की है वहीं की, मैं उसको मैं दोबारा से इसकी ये देखिए दोस्तों हमारा डिज़ाइन जो है वो सिंपली बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं कोई भी चीज़ डिज़ाइनिंग बनाने से पहले खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ। जो पहले पेज पर आपको टुकड़ों डिज़ाइन दिख रहा है दोस्तों वो मैंने पहले बना करके देखा था, उसमें जो मैटर रखा था मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया है ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो और आपको डिज़ाइनिंग ईजीली समझ आ जाए और आप उसको सीख सकें। दोस्तों मैंने उसकी कॉपी पेस्ट यहाँ करके रख ली है, आप यहाँ कंपनी का नाम और लोगो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत जल्दी हमारा डिज़ाइन जो है बन करके तैयार हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।